हेलो माय फ्रेंड, दत्ता दिस साइड। वेलकम टू दिस अमेजिंग सेशन, टूल्स फॉर प्लानिंग योर ईयर, फॉर योर प्रोडक्टिविटी, फॉर योर मार्केटिंग, सेल्स, परफॉर्मेंस डोमिनेशन। बेसिकली हाउ आई एम प्लानिंग माय ईयर विद दिस पावरफुल टूल्स टू 10x माय प्रोडक्टिविटी, 10x माय सेल्स, 10x माय ब्रेक थ्रू। इफ यू आर समबडी हियर, यू गेट कन्फ्यूज कि आज क्या करना है, कल क्या करना है, वॉट शुड बी माई गोल्स, एंड बिसाइड दिस वन यू माइट हैव सेट द गोल्स बट यू डोंट हैव plan to get the goals. In this video, I am going to share one of the my powerful training session from my paid member community. Normally, I give it to जो हमारे paid member है, paid subscriber है, उनको देता हूँ मैं. But I am going to share with you also that will help you to 10x your productivity for sure shot if you implement marketing structuring, your top goal setting plus goal getting plan. My friend, watch this video. प्लस एट एंड ऑफ द दिस सेशन मैं आपको इसके टेम्पलेट देने वाला हूँ, एब्सोल्युटली फ्री चेकलिस्ट देने वाला हूँ, एब्सोल्युटली फ्री। यू नो नीड टू प्रोवाइड योर ईमेल एड्रेस एज वेल, बट यू नीड टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। सो माई फ्रेंड, लेट्स मूव टू माई वीडियो। वॉच दिस वीडियो टिल द एंड, मेक द नोट्स एंड टेक यूर चार्ज ऑफ यूर ईयर एंड बिजनेस नाउ। इन केस यू हैव नॉट सब्सक्राइब टू माई चैनल, हिट द सब्सक्राइब बटन राइट नाउ सो दैट यू विल गेट लॉट ऑफ नोटिफिकेशन। लेट्स टेक द एक्शन। थैंक यू, लेट्स मूव देयर। आई वॉज लर्निंग वन बुक, बट वो टॉपिक अलग है। आज मैं आपको कुछ टूल्स देने वाला हूं। आई थिंक लास्ट टाइम ही दिया था मैंने, एंड द टूल वॉज रियली सिंपल, प्लान टुमारो टूडे, सुपर क्लैरिटी फॉर एक्शंस, सीक्रेट वेपन ऑफ बिलियनियर्स, क्रश द कॉम्पिटिशन, हाई परफॉर्मेंस टेनिस प्रोडक्ट सीक्रेट। एक्चुअली ये जो है ना, ये एक्चुअली वॉर मैप था। ये वॉर मैप में कुछ प्रिपेयर कर रहा था, एंड आई विल टेल यू कि हाउ डू। उसके बाद में मैं पहले आपको वॉर मैप देने वाला हूँ, क्या है वॉर मैप, आई विल टेल यू। उसके बाद में मेरे पास दूसरा टूल है, ओके आई विल टेल यू, वो एक वार्म अप देने वाला आप लोगों को मैं गिफ्ट। स्पेशली दिस इज फॉर एक्चुअली डायमंड मेंबर्स, बट आई वांट टू गिव टू ऑल ऑफ यू। लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ यू यूज दैट वन। अनदर लाइक लेट मी टेक व्हाट इज द नेम ऑफ दैट वन। मैंने सब कुछ बनाया, एक्चुअली नया पूरा बनाया है मैंने पीपीसी। This is the like FB audience angle. Yeah, this is the sheet actually. I'm going to do that still. I'm using every day. मैं आपको ये टूल भी देने वाला हूँ, ठीक है? Campaign planner like FB audiences angle images planner. Okay, tracker है। ये बहुत बढ़िया है, मैं ये भी देने वाला हूँ आप लोगों को। प्लस ये तो बनाया ही है मैंने, लेकिन उसके साथ साथ मैंने एक बनाया आपके लिए। हाउ मेनी अवेयर अबाउट कि मैंने जो एफडीपी का रिसोर्स लाइब्रेरी बनाया है, मैंने रिसोर्स लाइब्रेरी बनाया हुआ है आप लोगों के लिए। यू गेट एवरीथिंग देयर, ओके। ट्रैफिक एंड फनल लाइक टी एंड एफ रिसोर्स लाइब्रेरी। ठीक है, लाइब्रेरी है तो ये भी देने वाला हूं। एक्चुअली बनाया है मैंने पूरा, सुपर। एंड आई हैव सो मेनी और टूल्स, बट इतना फिलहाल ठीक है। आई डोंट वांट टू गो गेट इनटू टू मच एडवांस, बट एटलीस्ट मैं आपको कुछ बेसिक चीजें शेयर करता हूं टुडे। सो व्हाट इज द वॉर मैप, ओके। नाउ यहां पे एक कॉन्सेप्ट बात कर रहे थे हम लोग, व्हाई सम पीपल गेट रिजल्ट्स, व्हाई सम पीपल डोंट गेट रिजल्ट। कुछ लोगों को रिजल्ट क्यों मिलता है, कुछ लोगों को रिजल्ट क्यों नहीं मिलता है। सेम स्ट्रेटेजी, सेम फॉर्मूला, सेम प्रोग्राम, सेम कोच, सेम गाइड, व्हाई? ओनली सिंपल डिफरेंस इज एक्शंस। कौन कितना एक्शन ले रहा है, दैट विल बी डिफरेंशिएट। लाइक सपोज आप देखो, सब लोग जिम हिट करते हैं, किसी के सिक्स पैक है, कोई मीडियम फिट है, किसी का कुछ नहीं है, मतलब सालों साल जिम करे लेकिन कुछ चेंज नहीं है। द डिफरेंस इज द एक्शन, फर्स्ट थिंग एक्शन, सेकेंड थिंग मोटिवेशन टू टेक एक्शन, एंड थर्ड थिंग इज द कंसिस्टेंसी इन द एक्शन। मतलब एक्शन ले रहे हो आप, फुल जोश में है, एफडी चैलेंज चालू किया आपने, फुल जोश, तोड़ फोड़ देंगे, कस्टमर पाएंगे, मतलब सब इधर उधर कर देंगे, रिकॉर्ड सब रिकॉर्ड तोड़ देंगे, रिकॉर्ड ब्रेक कर देंगे। आई यू नो दैट, कितने लोगों ने 31 दिसंबर या न्यू ईयर पे गोल सेटिंग किया है, सब इधर उधर कर देंगे हम लोग, न्यू कार, बिजनेस ग्रोथ, टेनिस कस्टमर, सब डोमिनेशन, वर्ल्ड टूर, इंडिया टूर, सब कुछ तोड़ देंगे। लेकिन दोज आर द गोल्स, ओनली गोल्स आर वन पार्ट, वी नीड टू हैव क्लियर डिफाइंड एक्शन प्लान, एवरीडे एक्टिविटीज टू रीच दैट गोल, टू रीच दैट माइलस्टोन।
वही हम लोग बात करने वाले हैं। हाउ आई प्लान इट मैं आपको शेयर करने वाला, आई लर्न फ्रॉम सैम ओवन, आई थिंक आई एम फॉलोइंग फॉर 3 years, जब मैं जॉब में था तब 4 years से मैं वो वॉर मैप फॉलो कर रहा हूँ। टुडे आई अगेन रिविजिटेड, सो मैं आप लोगों के कुछ नया टेम्पलेट बना के दे रहा हूँ, यू हैव टू डाउनलोड इट, यूज इट, इट्स रियली पावरफुल। लेट्स गो विदाउट एनी फर्दर डिले हियर। सचिन सर, कैन यू डू हैव दैट वॉर मैप लिंक? मैंने दिया था वॉर मैप वाला लिंक ग्रुप के ऊपर, कहीं ना कहीं मैं शेयर किया था लास्ट टाइम, और मैप बोल के दिया था सागर, डू यू हैव दैट वन? म्यूट योरसेल्फ ऑल ऑफ यू। यस सागर आपने दिया, सागर थैंक यू वेरी मच। देखो सागर हैज गिवन द लिंक, सागर थैंक यू वेरी मच फॉर दैट वन, मैं आपको लिंक देता हूं बाद में, थैंक यू। मैं पहले आपको लेके जाता हूं व्हाट इज इट ऑल अबाउट। तो वॉर मैप इज रियली सिंपल, मैं आपको देने वाला, बेसिकली मेरा अलग है लेकिन मैं आपको टेम्पलेट देने वाला हूं। सो इफ यू कैन सी माई स्क्रीन, पहले मैं मेरा एक्सप्लेन करता हूं बाद में आपको मैं टेम्पलेट देता हूं। ओके, डज दिस मेक सेंस? मेक सेंस? टाइप इन कमेंट बॉक्स यस, से यस इन द कमेंट बॉक्स। वेर इज द जोश गाइज, वेर इज द जोश? बिजनेस के अंदर जोश होना जरूरी है, जोश है तो होश है, होश है तो मनी है, राइट? मार्केटिंग के अंदर भी ऐसा ही है। फाइन, सो आप देखेंगे मेरा ये वॉर मैप है। The war map is really simple. I'm telling you, suppose ये मेरा मंडे था, कल मंडे के अंदर कुछ मेरे एक्टिविटीज थे, I have done it. आज ये ट्यूजडे है, this is my community day. Suppose मैंने कुछ दो घंटे लर्निंग किया, मैंने क्रॉस कर दिया उसको, फिर अभी मिशन ट्रेनिंग चल रहा है, आई विल जस्ट क्रॉस डाउन दैट वन, बूम मेरा कॉल हो चुका है। तो कॉन्टेंट सागर, इज द वीडियो रेडी? सागर सर, इज द वीडियो रेडी? सचिन सर चेक आउट, तो ये कॉन्टेंट पब्लिश होगा, फाइनेंशियल डैशबोर्ड अपडेट, ऑल गोल रिव्यू अपडेट, जो होता रहेगा मैं प्लान करता हूं। मैंने सपोज आई विल टेल यू अबाउट दिस स्टोरी लिटिल बिट, बट इसका फिलोसफी क्या है दैट आई वांट टू टेल यू क्विकली हियर, आई जस्ट वांट, आई विल गिव यू अ कपल ऑफ मिनट्स हियर, ये क्या चीज है एंड कितना पावरफुल है, आई विल टेल यू क्विकली। यस, जस्ट अ मोमेंट। ओके, जस्ट म्यूट योर सेल्फ, somebody कोई बात कर रहा है आप म्यूट कर सकते हैं। फाइन, सो लेट मी जस्ट टॉक अबाउट दिस वॉर मैप, मैं आपको शेयर करता हूं। वॉर मैप इज रियली पावरफुल टूल विच इज यूज बाय माई मेंटर्स एंड आई गॉट दिस टूल 4-5 years बैक, इट इज रियली पावरफुल। तो बेसिकली यहाँ पे मैं पहले आपको एक्सप्लेन करता हूँ क्या इसके अंदर कुछ प्रायोरिटी टूल्स है, कुछ डैशबोर्ड है, एंड आई विल टेल यू कि क्या, हाउ दिस, हाउ यू कैन यूज दिस वन, कैसे यूज कर सकते हैं, मैं बताना चाहता हूं आप लोगों को, ठीक है? क्विकली आई विल टेल यू, लास्ट टाइम मैंने बताया था लेकिन फिर भी मैं आपको मेरा दिखाता हूं कैसे क्या होता है। दिस इज रियली सिंपल, ये मेन डैशबोर्ड होता है, इसके अंदर 12 मंथ होते हैं आपके, ये 12 मंथ होंगे पूरे। इस 12 मंथ के अंदर आपको यहाँ पे होगा की गोल्स, लेट्स टॉक अबाउट की गोल्स। इसके अंदर यू विल प्लॉट आउट, मतलब आप लिखेंगे आपके 4-5-10 गोल्स, जितने भी आपके गोल्स रहेंगे, जैसे कि मैंने मेरा कुछ एग्जाम्पल बताया मैंने यहाँ पे कि बॉस बिल्डिंग वेबसाइट फनल, सेल्स एंड सेल्स ट्रेनिंग, फेसबुक एड कैंपेन स्केल अप, वैकेशन, टीम बिल्डिंग, प्रोडक्ट बिल्डिंग फॉर एग्जाम्पल, या फिर जो कुछ आपके टॉप गोल्स है आपको लिखने हैं इसके अंदर। बट ये गोल आप कैसे डिसाइड करेंगे, हाउ विल यू डिसाइड दोज गोल्स, क्या गोल होंगे? इफ यू रिमेंबर लास्ट वीक मैंने लेट मी जस्ट टेल यू कि ये गोल अभी आपके पास, हर किसी के पास 15-20-25 गोल आएंगे। Am I right, guys? आप जब लिखने बैठेंगे तो 15-20-25 गोल आएंगे। How many of you guys? कितने लोगों ने गोल सेट किया है? If गोल सेट किया तो कितने गोल्स है? Just type in the number. 5, 10, 15, 20. कितने गोल्स है? Just type the number in the comment box. Overall कितने गोल्स आपने लिखे हैं? 5, 10. Fine. One note पे लेके जाता हूं मैं आपको। हाउ डू यू डिसाइड दैट गोल? मैं आपको कुछ ड्राइंग करना चाहता हूं, कुछ मैं कुछ दिखाना चाहता हूं क्विकली। शॉप मीटअप, फाइन। तो मैं आपको कुछ, आई थिंक उस दिन में दिखाया था, फिर भी मैं आई विल शो यू समथिंग लाइक हियर। आप देखेंगे कि हाउ डू यू डिसाइड द गोल। सपोज मेरा गोल है कि इस ईयर मेरे को 1 crore रेवेन्यू करना है,
बाय हेल्पिंग पीपल विद एक्स वाई जेड माई सोल्यूशन. सपोज मेरा गोल है, या फिर मेरा गोल हो सकता है आई वॉन्ट टू लूज माई वेट बाय 10 kg, या फिर दूसरा गोल हो सकता है आई वॉन्ट टू बिल्ड द वेल्थ, सपोज 1 crore पोर्टफोलियो बनाना है. या सपोज गोल किसी का भी अपना जो कुछ भी गोल होता है, सपोज लेट्स टॉक अबाउट बिजनेस पार्ट, बिजनेस गोल बोलता हूं मैं, आई वॉन्ट टू हेल्प 1 million, सपोज लेट्स टॉक अबाउट आई वॉन्ट टू हेल्प 100,000 entrepreneurs with the real life marketing skills, online business building skills to grow their business, get the customer and dominate. Suppose ye mera mission hai, for example. But abhi ek din mein to main pura ek saal mein to 5,000 logo ko nahi help karne wala. It might take me 10 years, 20 years, right? To mera next year ke goal ke, abhi now we have 2000 plus community member. To main aapko mera bata how I think. Suppose maine goal likha hai ki boss, I want to have 5,000 community member, जो हमारा traffic and funnel community, for example, 5,000 is a goal. Suppose I want to have like, this is my North Star. आप देखो यहाँ पे, North Star. क्यों बोल रहा हूँ? You need to have clear defined North Star. Suppose, for example, मेरा है कि 5K community member, 5K customer, ये मेरा North Star है. Now, आप जब ये goal write करते हो, you should be asking question yourself and write कि boss, is this activity or is this goal? और इज दिस एक्शन प्लान, जो कुछ भी आप करेंगे बाकी गोल 4-5-6 इज गोइंग टू हेल्प मी रीच दिस डेस्टिनेशन और नो. जो यस है उसको रखना है, जो नहीं उसको कट डाउन करना है. सी वेरी सिंपल, सपोज मैं बताना कि मैं जो 5K करना है तो मुझे बॉस नया प्रोडक्ट बिल्ड करना है, मुझे न्यू फेसबुक मार्केटिंग यूट्यूब प्रोग्राम लॉन्च करना है, सेल्स के स्किल करना है, ट्रेनिंग करना है, खुद का ट्रांसफॉर्मेशन करना है. आई वॉन्ट टू बी हेल्दी एंड फिट बिकॉज जो मेरा एनर्जी है जो 2000 में जा रहा है वो 5000 में ज्यादा लगने वाला है कहीं ना कहीं. आई नीड टू डू ऑटोमेशन, हायर द सेल्स टीम. तो ये गोल्स होंगे आपके, तो ये आपको क्वेश्चन पूछना पड़ेगा. सो यू आर हियर राइट नाउ, आप यहाँ पे हो, यू आर हियर द लिटिल लाइक मीडियम एंटरप्रेन्योर्स गाइस. आई डोंट नो मेरा कैसा है लेकिन जहां तक मेरा है मेरे को लग रहा है ठीक है. फाइन, आप यहाँ पे हो एंड देन यू वांट टू रीच दिस गोल. आप इस गोल पे जाएंगे, आप यू विल टेक लॉट ऑफ मैसिव एक्शंस. बट somehow इफ यू टेक रॉन्ग actions, यहां पे इन बिटवीन आपके होंगे actions, यू विल हैव actions, इन बिटवीन actions होंगे. नाउ यू हैव टू आस्क इच टाइम एम आई टेकिंग राइट एक्शन टू रीच दैट गोल. सपोज वेरी सिंपल है, आपको किसी को 5,000 कस्टमर या फिर यू वॉन्ट टू अचीव 100 कस्टमर दिस ईयर फॉर एग्जाम्पल. Are you taking massive actions or are you, मतलब आप marketing सीख रहे हो क्या, daily marketing के लिए क्या कर रहे हो, do you have proper planning, proper budgeting, proper attitude or all mindset part to take those actions. Suppose मुझे यहाँ पे जाना है, I might do Facebook advertising, sales conversion skills, I might learn to like build the team, create the offer and do the massive actions. I'm talking about that part. Does this make sense? I hope ki all of you need to have that goal. So basically, आप ये जो activities है, you will be having 1 action, 2 action, 3 action, 4 action, that will decide you to reach that goal. Suppose मैं यहाँ पे कुछ बात कर रहा था कि मुझे अभी Facebook campaigns करना है, scale up, मुझे team building पे focus करना है, नया products build करना है, sales का training लेना है और building website funnel. You see the difference? तो ये आपको plot करना है. Guys, यहाँ पे dashboard level पे ये plotting करना है. You talk about war map. तो मैं पहले उसके पहले बताता हूँ और मैप का, हाउ डू यूज देम, पर्पस क्यों जरूरी मैंने बोला था. फाइन, गिव सम ऑफ देम पर्पस, क्या है उसका पर्पस, क्या है व्हाई, यू नीड टू आस्क दिस व्हाई क्वेश्चन, क्यों करना है. बट ये आपको होना चाहिए, सपोज ईयरली मेन गोल्स. गाइस आपकी छोटे मोटे गोल है, ईयरली मेन गोल्स, मार्केटिंग का गोल है ईयरली मेन गोल्स, then monthly small goals, small goals you need to convert right into small goals. Marketing goal phir bhi aap small goals, then daily micro actions. You have to do reverse engineering. Matlab main kya baat kar raha hu, reverse engineering. For example, by end of the 2022 December, you want to hit 1 crore revenue, for example. So, but ye mera goal hai. So, what is my current monthly revenue? To reach that goal, mere ko kya kya karna padega?
कितना मार्केटिंग पे स्पेंड करना पड़ेगा, कितने कस्टमर लगेंगे, कौन से स्किल मिसिंग है, कौन से प्रोडक्ट मिसिंग है, कहां पे कोलैबोरेशन करना पड़ेगा, यू हैव टू डू दैट वन, आई विल टेल यू. ओके, डज दिस मेक सेंस गाइस सो फार? इफ यू आर विथ मी टाइप इन कमेंट बॉक्स रिवर्स. आप सीधा इस बड़े, होता क्या है पता है क्या, आप सीधा बड़े गोल पे ही डेली बड़ा गोल रखेंगे, वन सीआर गोल, इससे कुछ होने वाला है क्या? मतलब डेली लिखेंगे आप डायरेक्ट वन सीआर गोल. नो, आपको मंथली स्मॉल स्मॉल गोल, क्या एक्टिविटीज करने वाले हैं आप, फिर डेली आप क्या, वीकली क्या करेंगे, डेली क्या करेंगे, यू नीड टू हैव दैट माइक्रो गेम प्लान. यस, पूरे साल के आपको नहीं लिखना है, एटलीस्ट वन मंथ या 15 दिन का प्लान रेडी होना चाहिए. I will tell you कि reverse engineering, even though marketing के अंदर, I will tell you today how I do it. Reverse engineering, the actions, okay? So let's talk about this part. मैंने बोला कि daily main goals. For example, ये मैंने आपको war map दिया है, very simple file है. War map मैंने यहाँ पे की boss, building website, sales training, etc, vacation. तो मैंने यहाँ पे कुछ plotting already किया. You have to plot down, plot it. इसके अंदर भी आपको कुछ priority देखना है कि क्या priority है आपका. So for example, मैंने पूरा ब्लैंक किया, ये हाई लेवल ओवर ही होगा मेन गोल का. फॉर एग्जाम्पल, मेरे को अभी ये वेबसाइट बिल्ड करना है, आई वॉन्ट टू बिल्ड द वेबसाइट एंड फनल. तो आप कलर देखो कौन सा कलर है. फॉर एग्जाम्पल, ये कलर है मेरा आई थिंक ग्रे ब्राउन. तो मैंने ये सपोज 15 दिन या 8 दिन, फर्स्ट टिल 10 आई विल बी डूइंग वेबसाइट बिल्डिंग, पूरा फनल बिल्डिंग हम लोग रिवाइंड कर रहे हैं. आई विल जस्ट प्लॉट दैट डाउन. Once that is done, suppose I want to go on the vacation. Suppose मेरा March में मेरा last week में मेरा 21 से लेके 21st to 25 मेरा vacation है. I will just allow it. I will plan it. Everybody know, right? After 6 months again, suppose I have the plan in June. So I am just highlighting that कि मेरे को 6 दिन पे vacation पे जाना है. तो I am just highlighting that in yellow. You see here? तो पहले आपको big blocks आपको block करने हैं, जो कुछ भी है. I am just fine. One second, guys. Change the color here. चेंजिंग द कलर. फिर मैं दिसंबर में जाऊंगा 7 दिन. मैंने यहाँ पे, यू सी द डेज हाईलाइट मैंने कर दिया. फॉर एग्जाम्पल, यू कैन डू एज पर योर गोल्स, बट फॉर एग्जाम्पल मुझे जनवरी में मुझे वेबसाइट बिल्ड करना है, बट आई विल गो, ये भी हुआ डैशबोर्ड लेवल पे, बड़े लेवल पे. लेट मी जस्ट जूम इन. एक्चुअली दिख रहा है सबको, दिख पा रहा है आप? देखो यहाँ पे डैशबोर्ड के पहले ये ऊपर ऊपर दिखेगा आपको गोल्स क्या है ना. उसके अंदर है जनवरी, आई विल गो इन साइड जान. Inside Jan, if you see here, there are 30 days, right? All days. मैंने क्या किया है? I will tell my rule, what I do. मैंने day categorize किए हैं. Monday मेरे लिए मैंने डाला है Monday Warrior. Monday Warrior क्यों? क्योंकि मैं, I have given my own name actually, कि Monday के दिन तो मेरे को जोर से शुरुआत करनी है. Maybe sales follow-up, some dashboard update, some team meeting, something like that, client meeting, etc. तो मैंने वो यहाँ पे Monday Warrior किया है. ट्यूजडे कम्युनिटी डे, मतलब आपके साथ में मेरा डेट होता है आज. सो मैंने उसको टैग किया है कि ट्यूजडे इज माई कम्युनिटी डे, द डेट विथ माई कस्टमर. सो आई विल बी हियर. यू सी हियर, द प्राइमरी गोल इज दैट वन. वेन्सडे इज क्रिएटिव डे, मतलब मैं इसमें कुछ नहीं करता, करता हूं लेकिन फिर भी मेरा गोल है आई कीप इट ब्लैंक. नो मीटिंग्स, नो सेल्स कॉल्स, नो वेबिनार, नथिंग. आई कीप इट क्रिएटिव डे, और यू कैन से बफर डे. कुछ ना कुछ गैप होना चाहिए ना कहीं आपके कैलेंडर पे, खाली भी दिन होने चाहिए बराबर. अदरवाइज कैरियर आप में कुछ ऐसा मैनेज नहीं कर रहे हो, आप बस काम करते जा रहे हो. सो आई केप्ट वेंसडे थिंकिंग डे, मतलब इस दिन में कुछ थिंकिंग कर सकता हो, कुछ स्ट्रैटेजी बना सकता हो, कुछ नया प्लान कर सकता हो. आई कैन डू समथिंग दैट डे. नाउ थर्सडे वेबिनार डे, अभी फिलहाल नहीं कर रहा हूं, बट थर्सडे मेरा एक और एक सेल्स वेबिनार होता था पहले. I am going to start again this new year. Thursday webinar day, sales webinar होता है मेरा उस दिन. Friday content day, मतलब मैं कुछ YouTube video shoot करूंगा, customer का interview लूंगा, I will do something there. Then Saturday family and fun day, family and friend day. Primary goal होगा, yes, बाकी small small commitment होंगे वहाँ पे, sure होंगे, but फिर भी main goal क्या रहेगा? See, if you have the goal in your mind कि आपको मेरे family को quality time देना है. But if you don't schedule on the calendar or write down, that never happen. Kitne log believe karte? Small thing. You know that you want to play with your kids, or you want to give time to mummy, papa, or something like that one. Dimag mein hai. But if you don't schedule in your diary or calendar, that never happen. Many time we miss it. So, mera hai Saturday, family and fun day.
एंड संडे मेरा वर्कशॉप होता है, फॉर संडे मतलब वर्कशॉप होता है तो वर्कशॉप एंड प्लानिंग करता हूं मैं नेक्स्ट वीक का, नेक्स्ट वीक का पहले ही प्लान करता हूं। गाइस इज दिस हेल्पफुल? तो आपका जो बिजनेस का टाइप है, आपका जो पर्सनल लाइफस्टाइल है, बिजनेस टाइप है, उसके अकॉर्डिंग आप डे काउंट करो। अदरवाइज आप हर दिन कंटेंट बनाते रहेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, हर दिन वेबिनार करेंगे फिर भी गड़बड़ हो जाएगा, हर दिन आप मीटिंग करेंगे फिर भी गड़बड़ हो जाएगा, हर दिन बस फैमिली के साथ में खेलेंगे फिर भी गड़बड़ होगा। इज दिस हेल्पफुल? वी आर डूइंग इन दिस स्टाइल वर्किंग रियली वेल फॉर मी, सो बेसिकली आई एम कवरिंग मेनी थिंग्स ऑफ माई लाइफ। डज दिस मेक सेंस? हेल्पफुल? इफ हेल्पफुल टाइप इन कमेंट बॉक्स हेल्पफुल। थैंक यू सागर। तो आप डिसाइड करो आपके मीटिंग का क्या है, कि वो ट्रेनिंग है, बिजनेस है, सेल्स कॉल्स है। नाउ आई हैव नॉट टैग एवरीथिंग, ये हुआ डेली वाला, बट इस डेली एक्टिविटी में भी आपको क्या करना है। फॉर एग्जांपल हम लोग यहाँ पे थे, मेरी सपोज एक तारीख से लेके पांच तारीख तक मैं वेबसाइट बिल्ड करने वाला, फॉर एग्जाम्पल। तो व्हाट आई विल डू राइट, आई विल गो टू दिस कैलेंडर, अभी तो पूरा बनाया है मैंने, बट व्हाट आई कैन डू नॉर्मली, आई कैन जस्ट ब्लॉक दोज डेज। फॉर एग्जाम्पल आई कैन जस्ट टेक द 5 days and take this calendar high level. यहाँ पे मैं लिखूंगा कि suppose website building, okay? For example, मैंने ये डाल दिया main goal. I just reflect that one, website building, website building, website building, website building. I will just plot that one. कोई भी activity आपको जब तक आप schedule नहीं करेंगे तब तक नहीं होता। You see here, website, I know that one, this 5 days is website building, right? I will block like that one. So at least 15 दिन का, बाकी आप blank रखो, पर at least 15 दिन का, suppose 1 तारीख से लेके 15 तारीख का आप main goals, main meetings, main tasks schedule करके रखो। Right now I'm just doing today, मैंने कल ही बनाया पूरा, मैं तो मेरा 15-20 दिन का पूरा महीने का main काम पूरा schedule होता है। And guys helpful? तो आप देखो कुछ भी, suppose आप इसके बाद में suppose 10 तारीख से 15 तारीख आप कुछ you are doing something different. For example you are doing या वहाँ पे कुछ दूसरा एक्टिविटी कर रहे हो, उसका कलर चेंज करो, जस्ट ब्लॉक इट। इसके बाद में 3-4 दिन आप कुछ क्लाइंट मीटिंग या कुछ बिजनेस मीटिंग पे टूर पे जाने वाला है, ब्लॉक इट, सो यू नो एवरीथिंग। ओके आई एम जस्ट डूइंग अंडू हियर बिकॉज दिस माय मेन कैलेंडर, ये कर सकते हैं। नाउ अनदर पार्ट, ये हुआ आपका ईयरली गोल, यहाँ पे रहेंगे जो कुछ भी आपके मेन गोल है, मेन गोल्स यू राइट डाउन हियर। हर मंथ में यहाँ पे नोट होता है, नोट। तो नोट के अंदर फॉर एग्जाम्पल कुछ गोल हो सकता है कि मेरा की बॉस 20 lakh revenue, suppose मेरा 20 lakh का goal है इस month, 20 lakh revenue, I want to hit goal, right? 29 route, for example, मैंने एक डाल दिया इस month मेरे को 20 lakh cross करना है, या फिर मेरे को I want to just मेरे को कुछ सीखना है, learn YouTube ads, right? YouTube ads, for example, learn and test YouTube ads, fine? Suppose मेरे को I just want to work on like, for example, I want to build new products. मैंने उसको कर दिया वहां पे, या फिर I just want to scale up market Facebook ads, right? Yeah, see, if you see here, आप यहाँ पे नोट में कुछ जो आपके मंथली टॉप 5 गोल्स है वो लिखे रखो वहां पे, अकॉर्डिंग दैट आई विल प्लान माई मंथ। सो आई डू इट लाइक, आपका जो मेन गोल क्या रहेगा, फिर क्या आप सीखना चाहते हैं या कुछ करना चाहते हैं या समथिंग लाइक दैट वन। Is this helpful? तो ये हर महीने आप कर सकते हो, अप्रैल का कर सकते हो, अप्रैल का एट एंड ऑफ द जनवरी आप करो, पहले एक दिन कर दो उसको, बिफोर दैट वन प्लान दैट वन, सेम 4-5 गोल्स, ब्लॉक योर कैलेंडर, बूम लाइक दैट वन। आपको मैं लास्ट ईयर का दिखाता हूं मेरा क्विकली, आई वॉज जस्ट डूइंग समथिंग ईयर 2021, या 2021, इफ यू सी ईयर, फॉर गिव यू सम आइडियाज, सपोज डिसंबर, आप डिसंबर का देखेंगे, डिसंबर ईयर, डिसंबर का दिखाता हूं मैं आपको। यू सी लाइक सेम थिंग, पूरा डिसंबर था, मेरे कुछ गोल्स थे, मैंने यहाँ पे कुछ गोल रखे थे, एंड इफ यू सी लाइक सेम डेज, मेरे पूरे डेज थे यहाँ पे, कब मीटिंग कॉल होता है, मैं यहाँ पे 10 तारीख से लेके 16 तारीख तक वैकेशन पे था, मैं आई वॉज ऑन विंटर ट्रेक, तो मैंने वो ब्लॉक किया था पूरा, इट वॉज एवरीथिंग प्लान, राइट? सक्सेस इज बाय प्लान, इट्स नॉट बाय लक। आई थिंक दिस इज सफिशियंट टू टेल यू हियर, बट आपके हिसाब से करो। Now, ये हुआ, फॉर एग्जाम्पल मैं कुछ आप लोगों को बता रहा था, आई वॉज टॉकिंग अबाउट द वॉर मैप, ओके, डज दिस मेक सेंस? तो मैंने क्या बताया आपको, ये डैशबोर्ड है, डैशबोर्ड में आप यहाँ पे आपके गोल रखो, जो कुछ भी टॉप गोल्स है, एंड टॉप गोल्स हाउ यू विल डिसाइड, यू विल डिसाइड ऑन दिस, कि आपको यहां तक जाना है तो क्या क्या एक्टिविटी करनी पड़ेंगी, यू हैव टू डू दैट वन देयर अकॉर्डिंग टू दैट वन।
एंड उसके बाद में यू कैन जस्ट ब्लॉक दोस कैलेंडर हियर। इसके अंदर भी प्रायोरिटी होना जरूरी है। यू नो नीड टू प्रायोरिटी, आप प्रायोरिटीज करो कि पहला एक्टिविटी कौन सा होना चाहिए, पहला सबसे इंपॉर्टेंट मनी मेकिंग। तो मेरे केस के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। सपोज आई कैन स्केल अप माई फेसबुक एड एंड सेल्स ट्रेनिंग, इट कैन ब्रिंग मी इमीडिएटली रेवेन्यू, इमीडिएटली ला सकता है। या फिटनेस, डू दैट वन। तो बेसिकली ये देखो डैशबोर्ड में आपको ये हाईलाइट करो, ब्लॉक इट यूर डे। इसके बाद में यू कैन जस्ट स्टार्ट डूइंग मंथली कॉल्स और मंथली लाइक प्लान टुमारो टुडे। सपोज आज ट्यूजडे है तो सोने के पहले मैं कल क्या करने वाला हूं, लिसन टू मी केयरफुली, सोने के पहले ही मैं डिसाइड करूंगा। मेरे डायरी में भी लिखा होगा और यहाँ पे भी होगा। सपोज आई एम गोइंग टू थिंक आउटसाइड जाने वाला हूं मैं, या कहीं पे प्लान टुमारो टुडे। ऑल ऑफ यू टाइप इन कमेंट बॉक्स PTT प्लान टुमारो टुडे, अदरवाइज आपका टाइम वेस्ट होगा कि कल मैं क्या करने वाला हूं। टॉप एक्टिविटीज आपको पता होता है कल क्या है, जिसको पता ना इधर लाइफ इज रियली चिल पिल। यस आपको सब कुछ पता नहीं है, लेकिन कुछ चीजें पता होती है, किसके साथ मीटिंग है, कुछ सीखना है, क्या मार्केटिंग करना है। डू दैट वन, प्लान टुमारो। अभी सोने के पहले मैं कल का पूरा प्लान करूंगा कि मेरा क्या क्या चीजें है। आफ्टर अभी इवनिंग के आई विल मेक श्योर कि जो कुछ भी काम हुआ है उसको क्रॉस करूंगा, जो बचा है उसको मैं कैरी फॉरवर्ड करूं। सपोज मेरा अभी आज फाइनेंशियल डैशबोर्ड नहीं हुआ तो आई विल जस्ट कैरी फॉरवर्ड दैट वन फॉर टुमारो, एंड आई विल कीप कैरी फॉरवर्डिंग अंटिल इट इज नॉट डन। और इससे अंदर एक पेन भी होता है कि ये चीज कैरी फॉरवर्ड क्यों हो रहा है, कहीं ना कहीं मैं उसको निग्लेक्ट कर रहा हूं, कहीं ना कहीं मैं एक्शन नहीं ले रहा हूं। तो ये माइंड भी वहां पे काम करता है। तो आप देखो उसके हिसाब से करो। ओके, सो हाउ मेनी वांट द लिंक ऑफ दिस वन, हाउ मेनी वांट लिंक ऑफ दिस वन, जस्ट टाइप इन कमेंट बॉक्स BIO। मैं आपको इसको लिंक देता हूं, मेक द कॉपी, आप इसका कॉपी करो। बट बिफोर दैट वन आई वॉज टॉकिंग अबाउट दिस पार्ट। आप ये फॉर्मूला दिमाग में रखो कि ईयरली मेन गोल्स, मंथली स्मॉल गोल्स एंड डेली माइक्रो एक्शंस। अंडरस्टैंड दिस वन, इसके बिना नहीं होने वाला है। इफ यू प्लान, बिलीव मी, यू विल बी 10 times मिनिमम 10 times मोर प्रोडक्टिव, मोर क्लैरिटी, मोर फोकस एंड बेटर रिजल्ट्स। सेम थिंग, जो कुछ भी आपको मार्केटिंग करना, यू डू दैट वन। देर इज वन मोर इनसाइड दैट वन, देर इज वन कॉलम, वन सीट है प्रायोरिटी। मैं आपको ये प्रायोरिटी भी बताता हूं क्या है। अभी क्या होता है इसके अंदर, आप दत्ता यार मेरे पास 10 goals है, हाउ डू आई डिसाइड पहला कौन सा करना है, राइट? तो वी हैव दिस कॉल टूल कॉल्ड राइस। राइस बोले तो लाइक बेसिकली रियली सिंपल आई विल टेल यू राइस क्या है। राइस इज रियली सिंपल है, वेरी सिंपल, मतलब रीच इंपैक्ट कॉन्फिडेंस एफर्ट्स। तो मतलब कितना रीच हो सकता है बिजनेस का, कितना इंपैक्ट हो सकता है, कितना कॉन्फिडेंस है आपको एक्टिविटी करने में, एंड एफर्ट कितने लगेंगे। राइस, ओके, रीच इंपैक्ट कॉन्फिडेंस एंड एफर्ट्स। तो ये मैंने इसी डैशबोर्ड में आपको बना के दिया है, बट आई विल शो यू प्रायोरिटी बोल के। तो आप देखेंगे यहाँ पे रीच, सी यहाँ पे यू सी द, सपोज आपका प्रोजेक्ट है, यू हैव द 5 projects। मैंने यहाँ पे डाला कि बॉस बिल्ड वेबसाइट, कोर्स क्रिएशन, वेबिनार सेलिंग, टास्क 4-5। आप लिखो पहले इसको पूरा फर्स्ट कॉलम के अंदर। तो रीच बोले तो हाउ मेनी कस्टमर विल दिस प्रोजेक्ट इंपैक्ट ओवर सिंगल क्वार्टर। 3 months की बात हो रही है। मेरे को लगता है इफ आई बिल्ड वेबसाइट, 2000 लोग, 500 लोग, 1500-1700 लोग मंथली विजिट करते हैं, तो 2000 लोगों को इंपैक्ट कर सकता है। या फिर कोर्स क्रिएशन, ये तो रैंडमली डाला है, मुझे लगता है कि इट कैन हेल्प 1000 members, 1000 people। वेबिनार सेलिंग 5000, मैंने क्यों डाला है 5000, मे बी आई कैन कोच 5000 people, आई कैन रीच 5000 customer। तो आप इसको लिखो रीच वाला, फॉर एग्जाम्पल जो कुछ भी आपका। नाउ इसका इंपैक्ट, इंपैक्ट क्या होता है, हाउ मच विल दिस प्रोजेक्ट इंक्रीज कन्वर्जन रेट व्हेन कस्टमर एनकाउंटर इट। 3x बोले तो मैसिव, 2x बोले तो हाई, मीडियम बोले तो 1, low, 0.5 मिनिमल। कि आपको ओवरऑल आपके बिजनेस ग्रोथ में, सेल्स ग्रोथ में कितना इंपैक्ट हो सकता है। मैंने यहाँ पे सपोर्ट डाल दिया है 1.5 की बॉस, इट्स ओके 1.5 बोले तो यू कैन सी देयर अराउंड मीडियम और हाई, मीडियम एंड हाई के बिटवीन है, तो इंपैक्ट ऑटोमेटिकली आ जाएगा। कोर्स क्रिएशन करता हूं मैं तो 3 मैसिव इंपैक्ट, बिकॉज आई कैन क्रिएट न्यू कोर्स, आई कैन गेट न्यू कस्टमर, आई कैन मेक न्यू रेवेन्यू फॉर एग्जाम्पल प्रोडक्ट्स। तो कॉन्फिडेंस कितना है आपको ये एक्टिविटी करने में, आप देखो यहाँ पे है कि हाउ कॉन्फिडेंट वी आर अबाउट द ऑप्टिमिस्टिक एस्टिमेट रीच इंपैक्ट एंड एफर्ट। हाई कॉन्फिडेंस 100%, मीडियम कॉन्फिडेंस 80%, से लो कॉन्फिडेंस 50%। तो मैं 80% कॉन्फिडेंस हूं इसके लिए। एफर्ट कितने लगेंगे ये बनाने के लिए, यहाँ पे देखो
estimate the total amount of time to project will require, product design setup etc. मेरे को लगता है एक वेबसाइट बिल्ड करने के लिए हमें 20 आवर्स लगेंगे. तो ये स्कोर जो है, आप ये तीनों चीजें फिल करना है. स्कोर प्रायोरिटी स्कोर ऑटोमेटिक आता है, इट कम ऑटोमेटिकली 100, इट कम ऑटोमेटिकली. एंड इफ यू दिस स्कोर कम्स अकॉर्डिंग टू स्कोर आपको ऑर्डर देना है. फॉर एग्जाम्पल मेरे लिए वेबिनार सेलिंग एक नंबर पे आ रहा है क्योंकि इसका रीच ज्यादा है, ज्यादा फायदा होने वाला है, प्रायोरिटी इसका टॉप आएगा. इसके बाद में सपोज कोर्स क्रिएशन से पहले वेबसाइट का ज्यादा आ रहा है, आई थिंक वेबसाइट का नहीं, कोर्स क्रिएशन इज लाइक मोर स्कोर 480, आई विल जस्ट टू, पहले ये करना है. इसके बाद में सपोज वेबसाइट स्टेज बिल्डिंग वेबसाइट बाद में करूंगा 3. एंड व्हाट आई विल डू, आप देखो यहाँ पे मैं इसको कब करना है. फॉर एग्जाम्पल मेरा डिसाइड हुआ कि मेरे को सेल्स स्किल सीखना है, दिस इज द फर्स्ट प्रायोरिटी. कौन से मंथ में करूंगा मैं, जनवरी 2022. स्टार्ट डेट कब करने वाला हूँ, आई एम गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम 5th January 2022. लेट्स टॉक अबाउट 10 Jan, मुझे सीखना है. सपोज मेरे को कुछ नया पीपीटी बनाना है, नया प्रेजेंटेशन बनाना है फॉर क्लाइंट, आई विल टॉक अबाउट दैट पार्ट. ओके, मैंने यहाँ पे स्टार्ट डेट एंड भी कर दिया. ये टूल आपको हेल्प करेगा कि कहाँ से कब. सपोज मैंने यहाँ पे प्लान कर लिया, एंड आई विल गो टू द जनवरी मंथ, आई विल फाइंड 5 to 10. सपोज मेरा 5 to 10 है, फॉर एग्जाम्पल आई विल जस्ट गो हियर, आई विल जस्ट मेक इसको वेबिनार सेलिंग था, राइट. फॉर एग्जाम्पल मेरा सेल्स ट्रेनिंग है, आई विल गो हियर इन द जैन, सिलेक्ट द 5 डेट, 5 to 10 में सिलेक्ट करूंगा उसको. आई विल जस्ट ब्लॉक इट द रेड कलर, एंड देन आई विल जस्ट मेंशन देयर कि बॉस मेरे को इस 5 तारीख में सेलिंग का पीपीटी बनाना है. बूम गाइस, इज दिस हेल्पफुल कि प्रायोरिटी टूल है, आप इसके साथ में खेलो बिंदास, जितना खेलेंगे आपको पता चलेगा. एंड दिस टूल विल हेल्प यू टू प्रायोरिटाइज. जैसे ही प्रायोरिटाइज, ब्लॉक इट यार, ब्लॉक करो, क्लॉक करो, डिलीट करो, फिनिश करो, अचीव द ग्रेट रिजल्ट्स. इन नटसेल ये वीडियो आपको 2 बार देखना पड़ेगा. कितनी बार, टाइप इन कमेंट बॉक्स, 2 बार, 2 टाइम. मैंने कम से कम 5 बार देखा है और मैं 4 साल से यूज कर रहा हूं. वेरी सिंपल, बट हाउ मेनी आर गोइंग टू यूज दिस वन, जस्ट टाइप इन कमेंट बॉक्स मी. ये टूल आप डाउनलोड करके यूज करेंगे. इसको बोलते हैं वॉर मैप. ओके, सो व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ, मैं आप लोगों को टेम्पलेट दे रहा हूं. यू कैन जस्ट मेक द कॉपी ऑफ दिस टेम्पलेट. Or if you are watching the replay, below this video, there will be link. If you are watching on YouTube channel, still I will be giving the link below. Okay, I might share this on YouTube, just planning for the like, adding the value. So if you are watching on the YouTube, click on the link below. Maine template ka link dene wala aap logo ko absolutely free. No need to provide email address or etc. Here we go. So main aapko template de raha hu, quickly you have to go to this. Guys, jitna khelo utna badhiya hai. But ye cheez is the game changing. Believe me or not. This is the game changing war map. This is how all military people, yeah, world class people achieve their goals, project planning, etc. Thank you. So main aapko ek link de raha hu chat box ke andar, us link pe jana hai aapko. Sagar sir, can you just ping me again? Sagar sir? Yes sir. Just ping me again. Maine aap logo ke liye khas banaya hai. Actually I provide this tool to jo hamare diamond member hai, up level member hai, unko hi deta hu ye tool. But chalo aapke liye kuch new year gift kaho. And if you use this one, I know that when if 10% use, you will say me thank you. Okay. To main war map ka calendar de raha hu aap logo ko. War map. See, you have to go to that link. Us link pe jane ke baad aisa open hoga. See here. War map template. See, high performance business checklist. तो ये चेकलिस्ट आप यूज कर सकते हैं इफ यू आर अप लेवल मेंबर. बट आई कैन टेल यू हियर, बाकी चीजें आप यूज कर सकते हैं. लाइक ये डैशबोर्ड भी मैंने कुछ डेमो के लिए हाईलाइट किया, आई जस्ट डिलीट दिस वन. आप इसको यूज करो. द मोस्ट इफेक्टिव प्रोडक्टिविटी एंड टाइम प्रोजेक्ट मैनेजर टू गिव यू क्लैरिटी. आपको माइंड में क्लैरिटी आता है तो आपको कोई रोक नहीं सकता एक्शन लेने. ठीक है, 2022 फ्रीडम डैशबोर्ड है. इस लिंक पे जाने के बाद आई एम जस्ट रिमूविंग दिस डेमो कंटेंट्स ऑल ऑफ देम. फाइन, आई थिंक जनवरी मैंने पूरा अपडेट किया है. आई कैन जस्ट बाद में आप डिलीट कर सकते हैं ये कोई प्रॉब्लम, डेमो के लिए रखा है मैंने ये आप लोगों का अंदर समझने के लिए. सो यू हैव टू गो टू दैट लिंक. आप लिंक पे जाना है एंड यू हैव टू मेक अ कॉपी. ये फाइल ओपन होगा, उसके बाद में फाइल में जाना है. इसको आपको राइट्स नहीं है मॉडिफाई करने के लिए. फाइल में जाना है एंड मेक अ कॉपी. आपके जीमेल के अंदर उसका कॉपी बन जाएगा. ठीक है, सुपर. आई एम गिविंग द लिंक, लेट्स गो एंड मेक द कॉपी. फाइन, मिला सबको. ऑल ऑफ यू कैन गो एंड मेक द कॉपी क्विकली फास्ट.
जो लोग कॉल में नहीं उनको नहीं मिलेगा, सॉरी फॉर दैट वन, जो लोग कॉल में नहीं है उनको नहीं मिलेगा. ओके, ओपन इन गूगल एंड मेक अ कॉपी. ठीक है, गूगल शीट गिफ्ट. ऑसम माई फ्रेंड, होप यू एंजॉय दिस वीडियो. और आपने पूरा देखा है, आई थिंक दिस टूल्स आर रियली रियली पावरफुल टू इम्प्लीमेंट राइट नाउ. देखो भाई, बताना चाहूंगा मैं आपके, टूल्स विदाउट इम्प्लीमेंटेशन इज यूजलेस. नाउ इट्स टाइम टू टेक एक्शंस. बिफोर आई मूव अहेड, शेयर यूर प्लीज डिटेल लर्निंग जर्नी. वॉट वॉज योर बिगेस्ट लर्निंग? कौन सा टूल, वॉर मैप या कैंपेन मैपिंग्स? What are the tools you think that was the helpful to you? Please share in the comment box below. Genuinely, if you think that was the valuable, मैं personally उस comment को reply करूँगा and I will give input. Beside this one, what are the problems you are facing? You think that you should answer to me? Please type in the comment box below. I will reply back to you. And also, one more thing. If you want to learn what I do, how I am helping other members to 10x their lead, sales, customer, online business building, sales, and so many strategies, then click on the link below. There will be one of the links to invite to my upcoming workshop or webinar or training program. Check more details, become a part of that one, and start your journey. I am super duper excited to meet you and help you. Also, if you're not subscribed to my channel, please hit the subscribe button right now. Hit the bell button, like button, let other know ki boss, this was the valuable, guys. Thank you very much. Datta Tule, Digital Growth Expert, signing off for today. I hope you are going to take actions and change your business, change your results. See you other side. Thank you.